दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत हम स्कॉट पेले की एक कोटेशन से करेंगे। द क्विकेस्ट मोस्ट डायरेक्ट वे टू रुइन अ डेमोक्रेसी इज टू पॉइजन द इंफॉर्मेशन। That the quickest, most direct way to ruin a democracy is to poison the information. आज का वीडियो गवर्नमेंट की लाई आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2023 पर है और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फैक्ट चेकिंग यूनिट पर जो रोक लगा दी है उस पर हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि क्यों हमारे देश की पॉलिटिकल हेल्थ और डेमोक्रेसी के लिए ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मीडिया की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्यों कई मीडिया की संस्थानों ने देश भर के हाई कोर्ट्स में इसके अगेंस्ट में पिटीशन लगाए रखी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार के अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन बाद ही स्टे कर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन ऑन द फैक्ट चेकिंग यूनिट। सो दैट द फैक्ट चेक यूनिट ऑफ द व्हिच वाज यू नो यस्टरडे नोटिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हैज बीन नाउ स्टेड। सुप्रीम कोर्ट में याचिका कॉमेडियन कुणाल कामरा ने डाली थी। इसके अलावा दोस्तों एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स भी इसमें शामिल थे। बेंच जिसको के लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड और उनके अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, उन्होंने इन रूल्स को लेकर कुछ ऑब्जर्वेशंस की। उन्होंने कहा इट्स अ सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन और ड्यू टू इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उन्होंने स्टे लगा दिया है। ये स्टे बॉम्बे हाईकोर्ट के फाइनल ऑर्डर आ जाने तक लगाया गया है जिसमें वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट्स टू 2023 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स किए गए हैं। यही नहीं दोस्तों बल्कि कई सारी याचिकाएं इंडिया के अलग अलग हाई कोर्ट्स में फाइल की गई हैं, इंक्लूडिंग मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ केरला, कर्नाटका हाई कोर्ट, ये तमाम में लगभग 17 याचिकाएं हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसको हम सब के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये रूल्स वो रूल्स हैं जो गवर्नमेंट को बहुत सारा कंट्रोल देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, डिजिटल न्यूज़ पब्लिकेशंस पर और वीडियो एंटरटेनमेंट सर्विसेज पर, और गवर्नमेंट को इन रूल्स के चलते किसी भी चीज़ को सेंसर करना आसान हो जाता है, चाहे वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही क्यों ना चीज़ गई हो। दोस्तों ये आज इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि अक्सर जो मीडिया संस्थाने हैं, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैगजीन्स हैं, वो आज प्रिंट में बचे नहीं हैं, वो प्रिंट से निकलकर अक्सर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पर हैं, इंटरनेट पर हैं। तो इस तरह के इंटरनेट के रूल्स के आ जाने के बाद ये आसान हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि सारी की सारी मीडिया इंडस्ट्री, कंटेंट इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री पर वो किसी तरह से सेंसरशिप लगा सके, कंट्रोल कर सके। आज की हमारी जो जनरेशन है, स्पेशली चाहे वो जेन जी हो, जेन अल्फा हो या फैमिली और गली मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप्स, यहाँ पर अक्सर लोग एजुकेशन लेते हैं और एजुकेट होते हैं। अंकल लोग यहाँ पर मैसेज पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ये फेक न्यूज़ फैलाई जाती है या सर्कुलेट होती है। क्या वो इंटरनेट से सब हम रिसर्च करते रहते हैं ना, फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप, गूगल वूगल, ये सब जानते हो, सब चीज़ मिल जाएगी यार, व्हाट्सएप पे भी आता है। या आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता, मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। ये एक बहुत ही सीरियस और मीडिया के लिए भी चिंता का विषय है। ना सिर्फ ये बल्कि इंटरनेट पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन कितनी सही है ये खुद मीडिया संस्थानों के लिए आज एक बड़ा चैलेंज है। कई सारे सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐप्स और इंटरनेट पर चीज़ें अवेलेबल कर दी हैं जिनसे मीडिया उन्हीं के थ्रू कंट्रोल होता है। इसीलिए आज जो कुछ भी न्यूज़ सोसाइटी में कंज्यूम होती है उनके लिए ये एक प्राउड फीलिंग हो जाती है कि अपने घर में, घर के व्हाट्सएप ग्रुप में वो किसी मीडिया संस्थान से या कहीं से न्यूज़ उठाते हैं, व्हाट्सएप का फॉरवर्ड मैसेज उठाते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। इसको फैक्ट चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही आसान है गांधी या अम्बेडकर को गाली दे देना, दूसरों को लिबरल्स या एंटी नेशनल कह देना, लेकिन आज की ये एक सैड रियलिटी है। आपने थोड़ा सा भी क्रिटिकल कंटेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पोस्ट किया तो उसके पास इस रूल्स के बाद ये पावर आ जाते हैं कि इसको फेक न्यूज़ कहकर वो डिलीट कर दे। हमारे देश में अक्सर मीडिया लैंडस्केप अब सोशल मीडिया या यूट्यूब पर शिफ्ट हो चुका है। ज़बरदस्त पत्रकारिता लोग यहाँ कर रहे हैं और उसकी वजह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर मीडिया संस्थान या तो बिक चुके हैं
या उनकी वॉइसेस कमजोर कर दी गई हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो जबरदस्त कंटेंट हमको देते हैं, जैसे द देशभक्त, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, दीपक शर्मा और इन्हीं की तरह कई कंटेंट क्रिएटर्स। लीडिंग जर्नलिस्ट और मीडिया संस्थानों ने भी दबाव के चलते और कई मीडिया संस्थानों के बिक जाने के बाद आज़ाद काम करना इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर शुरू किया है। आप द रेड माइक की एग्जांपल ले लें, द वायर ले लें, न्यूज़ लॉन्ड्री ले लें। इसके अलावा मीडिया का आज एक बड़ा चैलेंज, जो सोसाइटी का बड़ा चैलेंज है, वो गोदी मीडिया है। वैसे ही अब कंटेंट की दुनिया में गोदी इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं। सर झुकाइए और अपने सुप्रीम मास्टर के सामने साष्टांग करते हुए नजर आइए, तो आपको बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड भी मिल जाएगा। ताकत के आगे सर झुका देना ये आम बात है, लेकिन जो चिंता का विषय है वो इन्फ्लुएंशियल लोगों का खामोश हो जा रहा, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, स्पोर्ट्समैन हों या प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हों। ऐसी आवाज़ें जो गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल हैं, वो दबाव के चलते खामोश हो चुकी हैं, उन्होंने चुप्पी साध ली है। लैक ऑफ वॉइस इन पीपल हु हैव पोटेंशियल स्पाइन, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। ये रूल्स जब से आए हैं, इन पर डिबेट हो रही है कि कैसे ये आज़ादी और क्रिटिकल वॉइसेस के लिए ख़तरा है। 5 मीडिया रिलेटेड बिल्स आए हैं दोस्तों, जो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। ऐसे लॉज इनैक्टेड बाय द गवर्नमेंट जो 2021 से किए गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, फिर इसके बाद आया ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2022, इसके बाद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, राज्यसभा ने हाल ही में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल भी पास कर दिया है, और एक और बिल जिसकी बहुत बात हो रही है, जिसको के चुनाव के बाद शायद अगली गवर्नमेंट पास करेगी, डिजिटल इंडिया बिल, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को रिप्लेस कर देगा। इन सब कानूनों को एक साथ मिलाकर देखें तो एक ऑर्वेलियन फ्रेमवर्क साफ नजर आता है। लेकिन क्या ये इंडिया में पहली बार हो रहा है? दोस्तों, इससे पहले भी 1988 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक डिफेमेशन कानून लाया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कानून था। उस कानून के प्रोटेस्ट में पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी सामने आ गई थी, प्रोटेस्ट हुए थे, राजीव गांधी को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन काम वही है जिसको करना बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग जुडिशरी और इंडिपेंडेंट मीडिया आज के इंडिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है। गवर्नमेंट्स तो आती और जाती रहेंगी। दोस्तों, होप कि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया है, होप कि इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ़ सो, टू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।